तो कांग्रेस के भविष्य की बात करेंगे। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि अभी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हुआ है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही है, सारी स्थितियां चल रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी बिना गांधी परिवार के चल पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी में जो कार्यवाहक अध्यक्ष होगा वह बिना गांधी परिवार के आदेश के बिना कोई फैसला ले सकता है, सलाह के बिना फैसला ले सकता है? एक बड़ा सवाल है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। एक पार्टी जो देश को आजाद कराने के लिए बनाई गई थी, 1885 में हुआ था गठन, संभालो वतन करो राज देश में लाओ शांति और अमन। अमन के उस दौर को कायम करने के लिए कई पड़ावों पर विफलता और सफलता को साथ लिए वो पार्टी चलती रही, लोगों में घुलती रही, नेता बदलते रहे, आरोप लगते रहे। आज की कांग्रेस जो कभी सत्ता पर सवार देश को आगे ले जाने और देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, आज वो हाशिए पर है। चिंता किस बात की? बात हो रही औकात की, तुम बड़े या हम, बस लड़ाई इसी बात की। कांग्रेस में अस्थिरता का दौर अब न जाने कितना विकराल होता जा रहा है कि वो हर एक जगह पर हर एक प्रदेश में पार्टी को निगलता जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व संकट आने वाले दिनों में खत्म हो सकता है। कांग्रेस कार्यसमिति यानी कि CWC अगले सप्ताह कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ सूत्र ने शुक्रवार को IANS को बताया कि CWC की बैठक के लिए आने वाले दिनों में एक तारीख तय की जाएगी। आम चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस हाल ही के दिनों में अपने सबसे गंभीर नेतृत्व संकट का सामना कर रही है। नेतृत्व संकट के बीच कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ सदस्यों ने UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी से अस्थायी रूप से पद संभालने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अनुरोध को ठुकरा दिया। कर्नाटक का नाटक, गोवा की आफत, नेताओं की बौखलाहट, यही सब तो है जो पार्टी को आगे बढ़ने से रोक रही है। उत्साह की कमी सी हो गई है, कार्यकर्ता हताश हो गया है। ऊर्जा आए तो आए कहां से, पार्टी को बढ़ाए कहां से, कौन आएगा ऊर्जा दिलाएगा पार्टी को जिताएगा? बड़ा सवाल सभी के मन में है, नेतृत्व कौन संभालेगा? कई नाम है कार्यवाहक अध्यक्ष पद के लिए, कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आए हैं। इसमें मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुशील कुमार शिंदे शामिल हैं। सिंधिया ने हालांकि कहा कि वे शीर्ष पद की दौड़ में नहीं हैं। पार्टी सूत्र ने कहा वासनिक इसके लिए फिट बैठ रहे हैं क्योंकि वे केवल 59 वर्ष के हैं और दलित भी। फिलहाल जो कुछ भी हो पार्टी को संभालना पड़ेगा, नेताओं को संभालना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरनी पड़ेगी। सवाल कई सारे हैं कि क्या गांधी परिवार से इतर होकर पार्टी चल पाएगी? क्या कार्यवाहक अध्यक्ष बिना गांधी परिवार के आदेश के या ये कहें सलाह के बिना कोई फैसला ले पाएंगे? खैर जो कुछ भी हो पर पार्टी को और कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि कब पार्टी फिर से उठकर खड़ी हो। स्पेशल ब्यास, टोटल न्यूज़।